आज की वीडियो में बना रहा है मोबाइल स्टैंड, तो इसको कैसे बनाते हैं इसकी पूरी डिटेल मैंने इस वीडियो में बताई है, तो आप भी इसको घर पे इसी तरीके से फ्री में बना सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और इस बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। सब कुछ सीखे एक्सपेरिमेंट। तो गाइस यहाँ पर मैंने पीवीसी पाइप की शीट कंप्लीट कर ली है, तो काफ़ी वीडियो में मैंने बता भी रखा है कि पीवीसी पाइप की शीट कैसे बनाते हैं। तो मैंने इसकी लंबाई 280 mm ली है और चौड़ाई 70 mm ली है। अब मैं यहाँ पे कुछ मार्किंग वगैरह करके आपको दिखा देता हूँ कि हम किस टाइप से इसको आकार देंगे यहाँ पे। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे मैंने मार्किंग वगैरह कर ली है, तो 90 mm पे करी मैंने, 100 mm पे और 60 mm पे और 30 mm पे करी मैंने। तो आप इस तरीके से कर सकते हो। तो यहाँ पे मेरे पास एक कॉइन का सिक्का ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो काफ़ी सारे पैसे मेरे पास, आपका सपोर्ट है तो पैसे भी आते रहेंगे। तो यहाँ पर मैं मिडिल पॉइंट पर इसकी गोलाई निकालूंगा, तो ये सिक्के से आप निकाल सकते हो इजी तरीके से। तो गाइस आप ऐसे सपोर्ट बनाए रखिए, मैं आने वाली वीडियो में भी आपके लिए अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट बनाता रहूँगा। तो गाइस अगर आपके माइंड में कुछ प्रोजेक्ट वगैरह घूम रहा हो तो आप मुझे बता सकते हो, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए भी बना दूँगा। तो गाइस हमने गाइस गोलाई निकाल ली है, अब इसमें मैं क्रॉस का निशान कर रहा हूँ क्योंकि इसको हमें कट करना पड़ेगा। तो ये मैंने कटिंग वगैरह कर ली है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर मैंने जो कोने पर यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 15 mm के भागित करा है, यहाँ पर 30 mm के दो टुकड़े कर दिया पे मैंने। तो इस टाइप से आपको भी कर लेना है। और यहाँ पे आप ये क्रॉस का जो निशान देख रहे हो यहाँ पे, तो इसको मैं कट कर लेता हूँ सीधा द्वारा। तो आप कैंची वगैरह किसी भी चीज़ के इस्तेमाल से इसको काट सकते हैं क्योंकि पीवीसी पाइप काफ़ी हल्का रहता है और इसी तरीके से आप इसको कटिंग कर लोगे बड़े आसान तरीके से। गाइस अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक भी कर देना। तो गाइस मैंने इसको कंप्लीट कटिंग कर ली है, आप देख सकते हैं। अब हम इसमें बेंड वगैरह कर देते हैं यहाँ पे, तो मैं हीटिंग देके इसको बेंड दिया हूँ यहाँ पे। तो मैं हीट गन का इस्तेमाल कर रहा हूँ, अगर आपके पास हीट गन ना हो तो आप लाइटर के से भी हीट दे सकते हो आप इजी तरीके से इसको। और मैं छोटे मोटे टूल्स वगैरह का इस्तेमाल करके इसको पकड़ लूँगा। तो आप प्लास्टिक के पाइप को हाथों से मत पकड़ना क्योंकि काफ़ी हीट हो चुका है, आपके हाथ जल सकते हैं। तो छोटे मोटे औजारों का इस्तेमाल करना है आपको। तो जहाँ जहाँ हमने मार्किंग वगैरह करी है वहाँ पे हम इसको हीटिंग वगैरह करके अच्छे से इसको बेंड कर देंगे इस टाइप से। तो बाकी की मार्किंग की जगह भी हम इसमें बेंड वगैरह कर देते हैं, फिर से हीटिंग दे देते हैं हम इसके। तो गाइस मेरे चैनल पर काफ़ी नॉलेजबल काफ़ी सारी प्रोजेक्ट की वीडियो रखी हुई है, तो आप उन वीडियो को भी देख लीजिए, काफ़ी आपको फ़ायदेमंद की रहेगी वो अगर आप चैनल पर न्यू हो तो। और मेरा जो पुराने सब्सक्राइबर है तो उनको पता है कि मैं चैनल पर जो भी वीडियो आती है वो फेक नहीं आती, हमेशा मैं वीडियो जो भी बनाता हूँ रियल बनाता हूँ। क्योंकि मेरी वीडियो लेट आने का कारण यही रहता है कि मैं वीडियो में कोई भी आपको फेक इन्फॉर्मेशन दी नहीं जाती, जो भी चीज़ आती है वो रियली आती है। तो गाइस आप इसको जब भी हीट दोगे तो इसको जैसे आप ठंडा होने के बाद छोड़ दोगे तो काफ़ी कड़क हो जाएगा, तो अच्छी तरह से कड़क भी होता जा रहा है, मैं इसको ठंडा भी करता जा रहा हूँ इजी तरीके से। और जहाँ भी हमने मार्किंग वगैरह करी उसी तरीके से हम इसको बेंड करते जाएंगे इसी तरीके से।
तो इस टाइप से हमने बेंड कराए, काफ़ी बढ़िया तरीके से बेंड हुआ है। अब यहाँ पे भी हम इसको बेंड करेंगे तो काफ़ी लुल्लू सा हो गया है प्लास्टिक का पाइप। तो गाइस ये मेल्ट होने लग गया है, आप देख सकते हैं। अब इसको नीचे की तरफ झुकाव में आ चुका है तो मैं इसको अच्छी तरह से इसको दबा देता हूँ ताकि ये कड़क हो जाए ठंडा होने के बाद। तो यहाँ पे मैं इसको घुमा के अच्छी तरह से दबा देता हूँ तो इधर के लिए। तो गाइस आप देख सकते हैं काफ़ी देर हो चुकी है और अच्छा ठंडा हो चुका है तो काफ़ी कड़क भी हो चुका है। ये देखिए आप, काफ़ी अच्छी तरीके से बन चुका है। तो अब गाइस इसकी कुछ फिनिशिंग वगैरह बाकी है तो हम इसकी फिनिशिंग वगैरह कर लेते हैं, अच्छे से इसकी घिसाई वगैरह करेंगे। तो गाइस काफ़ी बढ़िया हमने इसकी घिसाई कर दी है, काफ़ी अच्छी फिनिशिंग में आ चुका है, अभी ये देखने में भी अच्छा लग रहा है। तो अब इसका सिंगार भी कर देते हैं हम, तो हम काफ़ी सारी वीडियो में हर प्रोजेक्ट का सिंगार करते हैं तो इस छोटी सी चीज़ का भी हम सिंगार जरूर करेंगे। तो सिंगार करने के बाद देखते हैं कैसा दिखता है। तो वाह गाइस काफ़ी प्यारा दिख रहा है, सिंगार हमारा हो चुका है, अच्छे से हमने इसका सिंगार करा है, यानी कि हमारा नहीं इसी का हुआ है। और यहाँ पे जो होल वगैरह जो हमने करा था तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें आप चार्जिंग की केबल को इस तरीके से निकाल सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको मोबाइल कनेक्ट करके आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से इसमें मोबाइल रख सकते हो आप। तो यहाँ पे मैं इसमें कुछ वीडियो वगैरह चला देता हूँ और यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इस तरीके से चार्जिंग की पिन लगा दी है और ये इस टाइप से मैंने इसको रख दिया है यहाँ पे, और देखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ये प्लास्टिक अच्छी तरह से ठंडा होकर अच्छा कड़क भी हो चुका है तो काफ़ी हीवी बन चुका है, तो हमारा मोबाइल का लोड आसानी से उठा रहा है। तो गाइस इस मोबाइल को मैं घुमा के रख देता हूँ और इस वीडियो के फ्रेम को हम चेंज कर देंगे तो काफ़ी प्यारा लग रहा है देखने में। मोबाइल अच्छी तरह से रखा हुआ भी है तो आप भी इस तरीके से रख सकते हो। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना और दोस्तों भी शेयर करना। अगर आप चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माई वीडियो।